कितना चलेगा? 5-6-7-8 घंटे चलेगा, 10 घंटे चलेगा, बच जाएगा। तो अन्नदान वस्त्र दान सीमित है, पुस्तक दान सीमित है, लेकिन ये दान ऐसा है कि उसका जन्म जन्म सुधार देता है, जन्म जन्म साथ चलता है। सत्संग किया हुआ छूटता नहीं, वो साथ जाता है। आपने सत्संग कर लिया, अब पुनर्जन्म तो हो सकता है, सत्संग का पचाए नहीं तो, बट ये बीज रूप में पड़ा रहेगा और कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में अंकुरित तो हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। निष्काम भाव से अनकंडीशनल किसी को 1 रुपया दिया है, उसका पुण्य जो साथ चलता है, उसका भाव साथ चलता है। एक घड़ी भी सत्संग सुना है वह साथ चलता है। निष्काम अनकंडीशनल सेल्फलेस होकर जो भी कर्म किया है वो सब साथ जाता है, और सकाम कर्म किया है वो सब यहीं रह जाता है। थोड़ा बहुत फल दे देता है, पुण्य से सुख मिल जाता है, पाप से दुख मिल जाता है, लेकिन पाप और पुण्य से अतीत है, गुणातीत है। ऐसी चीज है। तो सत्संग सुनते ही शांति मिलती है, संजीवनी बूटी का काम करती है। गोपांगनाएं कह रही हैं, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई प्रसिद्ध है इतिहास में, सर्प और नेवले की लड़ाई प्रसिद्ध है, आपने सुना है ना? नेवला और सांप लड़ते हैं, ये जन्मजात बैरी है, जन्मजात बैरी। कुछ लोग जन्मजात बैरी होते हैं, कुछ जातियां जन्मजात बैरी होती हैं आपस में। तो सांप जब नेवले के ऊपर आक्रमण करता है तो नेवला बहुत चालाक है, अपने बिल के पास लाके लड़ाई करता है, जहां उसकी बिल है, गुफा है, उसके पास आके लड़ाई करता है। तो सांप बार बार उसको काट लेता है, दंश मारता है बार बार इधर इधर इधर, तो खून बहने लगता है नेवले के, और जहर का भी असर होने लगता है। तो नेवला क्या करता है, एक पटकनी देकर सांप को सारी शक्ति लगाकर, और सांप को पटकनी देकर जब तक सांप सीधा होता है, उसके पहले अपने बिल में घुसता है, और बिल में उसके एक बूटी होती है, संजीवनी बूटी, वो बूटी सूंघता है, और बूटी सूंघते ही तुरंत रिफ्रेश हो जाता है, सारे घाव भर जाते हैं, सांप ने जहां जहां से काटा था वो सब भर जाता है, अपने आप ही टाके लग जाते हैं, खून बहना बंद हो जाता है, और जहर का असर समाप्त हो जाता है, फिर शक्तिमान हो जाता है, फिर आता है फ्रेश होकर, फिर सांप से लड़ता है, फिर सांप का जहर जगह जगह चलने लगा, फिर वो जाता है बीच में, 1 सेकंड का 2 सेकंड का गैप देके तुरंत जाता है, और वो बूटी सूंघता है और भाग जाता है, वापिस आ जाता है, फिर लड़ता है सांप से, फिर बूटी सूंघता है, फिर लड़ता है, फिर बूटी सूंघता है, फिर लड़ता है, ऐसे करते 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 अंत में वो सांप को पछाड़ देता है, मार देता है। होता क्या है कि सांप के पास तो कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं, तो सांप के भी तो घाव हो रहे हैं ना, नेवला भी तो मार रहा है अपना पंजा, तो सांप तो जगह जगह से कट रहा है, और नेवला फिर से रिफ्रेश हो रहा है बार बार, नेवले के पास वो बूटी है, सांप के पास कोई बूटी नहीं है, अंत में वो नेवला सांप को पछाड़ देता है और नेवला जीत जाता है। तो यहां पर ये दृष्टांत दिया है कि हम तो है एक नेवले की तरह जो साधक है, भक्त है, और संसार है सांप की तरह, ये दुनिया है सांप की तरह, ये जगह जगह काट रही है आपको, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने पैसे खा लिए, किसी ने जमीन दबा ली, किसी ने महाराज वस्तु चोरी कर ली, किसी ने केस कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, एक जगह से काट रहा है क्या ये संसार रूपी सांप, किसी ने चुगली कर दी, निंदा कर दी, तो जगह जगह से सांप काट रहा है, काट रहा नहीं काट रहा। अब साधक क्या करे, एक संजीवनी के पास एक संजीवनी रखे अपनी, संजीवनी क्या कि बीच बीच में जब घायल हो जाए संसार से बहुत ज्यादा, ऐसा मन में आए कि अब तो सुसाइड ही करना है, अब तो होपलेस हो गया पूरा, तो बीच में आए किसी महापुरुष के पास आए और सत्संग की बूटी सूंघे, सत्संग की बूटी सूंघती रिफ्रेश हो जाता है बिल्कुल, सत्संग में उसको सारे घाव भर जाते हैं, सत्संग में लगता अरे मेरा क्या है, मैं शरीर ही नहीं हूं, अपमान तो शरीर का होता है, अपमान मेरा नहीं होता, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। फिर महाराज किसी ने उसको परेशान किया, धन ले लिया, फिर सत्संग में सुनता अरे भाई ले लिया पूरे जन्म का लेन देन है तेरा, तूने कभी लिया होगा छगन लाल का तो मगन लाल ने तेरा ले लिया छोड़ दे कोई बात, ले लिया छोड़, तेरे पास रोटी खाने को तो है, हाँ महाराज मेरे से तो बहुत है, तो कोई बात नहीं,
क्यों टेंशन लेता है, मस्ती से भगवान का भजन कर रहे हैं। वो कहता है हाँ महाराज ये बात करता, फिर उसका घाव भर जाता है, फिर संसार कोई घाव मारता है, फिर वो बीच में सत्संग में आता है। ऐसे करते करते जो भक्त रूपी साधक रूपी नेवला है वह संसार रूपी सर्व से विजय हो जाता है, एक दिन संसार से ऊपर उठ जाता है, आत्म कल्याण कर लेता है और ये सारा संसार उसके नीचे रह जाता है, संसार को पछाड़ देता है, उद्धार हो जाता है उसका। ये है सत्संग की बूटी, ये सत्संग की संजीवनी बूटी है। तो गोपांगनाएं कह रही नाथ आपके सत्संग से सारे भाव भर जाते हैं, सारी आग शांत हो जाती है, ऐसी तो आपकी कथा, फिर आपका क्या कहना। हे नाथ दर्शन दीजिए, हे प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने देखा कि अब गोपांगनाओं के प्राण बचेंगे नहीं, इनका प्राणांत हो जाएगा अगर थोड़ी भी मैंने देर की तो। भगवान उनके बीच में ही स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्रग्भिः साक्षात मन्मथ मन्मथा। भगवान उनके बीच में ही पीतांबर धारण किए हुए हैं और महाराज बिजली की हजारों सूर्यों की तरह उनका चेहरे पर प्रकाश हो रहा है, मोर मुकुट धारी हैं भगवान। भगवान उनके बीच में प्रकट होते ही देवताओं की धुंध भी बजी है, जय जयकार हुआ है, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब तो महाराज गोपांगनाओं ने ठाकुर जी को पकड़ लिया कि कन्हैया बड़ा चंचल है सखी, अब इसको पकड़ के रखो। किसी ने पीतांबर पकड़ लिया और किसी ने छोटे से कन्हैया की बाल जुल्फे पकड़ दी, किसी ने कपड़े पकड़ लिए, किसी ने महाराज इनका पैर पकड़ लिए, किसी ने माला ही पकड़ ली, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बाहन भुजा पकड़ ली। हजारों गोपियों ने कन्हैया को जकड़ दिया, पकड़ लिया कि अब भाग ना जाए। लेकिन परीक्षित जो सयानी गोपियां थी, ज्ञानी गोपियां थी, उसमें से वो पास में नहीं आई, वो दूर खड़ी खड़ी देख रही आंखों से, और देखते 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 कन्हैया को उन्होंने आंखों से के मार्ग से हृदय में ले आई और हृदय में बिठाकर फिर आंखों के दरवाजे बंद कर दिए कि सखी मानो वो कह रही कि बाहर वाला कन्हैया तो बड़ा चंचल है फिर भाग जाएगा, अब मैंने हृदय में बिठा लिया है, अब ये हृदय से नहीं जा सकता क्योंकि इसकी टेढ़ी टांग है, तो टेढ़ी टांग मेरे हृदय में ऐसी फंस गई अब जा नहीं सकता, हृदय में बिठाकर दिल में तुझे बसाकर बंद कर लूंगा। सुंदर भाव है वहां पर, गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया है, चारों तरफ घेर कर बैठ गई हैं। संसार में कैसे प्रेमी होते हैं, कितने प्रकार के प्रेमी होते हैं। गोपांगनाएं कह रही हैं एक तो वो प्रेमी होते हैं जो प्रेमी से प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता हम उससे प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, एक वो होते हैं जो कोई प्रेम करे ना करे सबसे ही प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं जो समझते नहीं है प्रेम। तो प्रभु इनकी जरा व्याख्या करें, आप तो बड़े विद्वान हैं, लो व्यासपीठ लगाना चाहिए ना, तो हम अपनी चुनरी बिछा देते हैं, सबने चुनरी बिछा दी, लो अब इस पर आप विराजमान हो और थोड़ी व्याख्या करें। भगवान ने कहा देखो जो प्रेमी से प्रेम करता है वो तो सामान्य है, हमसे कोई प्रेम करता है तो बदले में हम प्रेम करते हैं उससे, वो तो सामान्य लोग हैं। हम कोई हमको वस्तु देता है हम उसको वस्तु दे देते हैं, कोई हमको धन देता है हम उसको धन दे देते हैं, कोई हमारे यहाँ विवाह में आता है हम उसके यहाँ जाते हैं, मित्रता है सामान्य सामान्य भाव का। और जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते वो या तो अवधूत महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं माता पिता हमारे लिए कितने रोते हैं मरे जा रहे हैं, मुन्नू मुन्नू करते रहते हैं दिन रात, और मुन्नू देखो कुछ समय में पढ़कर माता पिता को समझते नहीं, उनका प्रेम नहीं समझता, ऐसे स्वार्थी लोग कुसंगी लोग जो किसी से प्रेम नहीं करता वो आत्मा राम है, वो भीतर ही अपनी आत्मा से प्रेम करता है, बाहर उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे प्रेम करते हैं जीवन मुक्त महापुरुष हैं, परमात्मा है, वो सबसे प्रेम करते हैं। गोपांगनाओं ने कहा कि जरा इसकी व्याख्या कर दीजिए कि इनमें से आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कौन से हैं। वो कहना चाहती हम तो तुम्हारे लिए रो रो के मरी जा रही हैं और तुम गायब हो जाते हो, अंतर्धान हो जाते हो, तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है, तुम भी तो ऐसे ही हो, जड़ हो,
हम प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते। भगवान मुस्कुरा पड़े, हंस दिए, बोले गोपियों वास्तव में मैं तुमसे कहीं अलग हो नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे भक्तों से अलग मैं एक क्षण के लिए जा नहीं सकता, सब जगह तुम मेरे को देखती हो, मैं कहां छुपूंगा, तुम्हारे लिए माया तो है ही नहीं, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म। जैसे साधारण आदमी देखता है कि ये क्या है, बोले ये मंडप है, ये क्या है, ये माइक है, ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, वक्ता है, श्रोता है, ये क्या है, भाई लोग पंडित लोग हैं, ये क्या है, गाड़ी है, क्या है गाड़ी, ये माया से दिखाई देता है विविधता। लेकिन जब माया रहित होता है, माया का चश्मा उतर जाता है, तो सब जगह ब्रह्म दिखाई देता है। ऐसे भक्तों से मैं कहां छुपूंगा, सब जगह कृष्ण को देखने वाले। एक संत तो कहते हैं कृष्ण कहीं गए नहीं थे, कृष्ण ने अपने पीताम्बर को चुनरी की तरह ओढ़ लिया और गोपियों के साथ खुद को ढूंढ रहे थे। जैसे गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, हे कृष्ण कर रही थी, ऐसे ही कृष्ण भी उनके बीच में थे। अब गोपियां 16,000 हैं, कृष्ण एक थे तो पहचान नहीं पाई अंधेरे में रात्रि में। भगवान उनके हृदय में ही जाके छिप गए थे, भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठे रहते कि मनुष्य कामना लेकर बाहर बाहर भटकता रहेगा, मेरे को परेशान नहीं करेगा, और निष्काम होते ही वो भीतर हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, इनर विजन उसकी जाग जाएगी और वो मेरे को देख लेगा। बाकी जो कामी है, बेटा पोता मांगने वाले हैं, वो तो बाहर ढूंढेंगे मेरे को, कोई अणु में ढूंढेगा, कोई परमाणु में ढूंढेगा, कोई काशी में ढूंढेगा, कोई काबा में ढूंढेगा, भीतर हृदय में ढूंढने वाले तो बहुत ही कम। तो हृदय में ही भगवान वास्ते। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं सबके हृदय में रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15:50। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबके हृदय में किसी से अलग नहीं है, पापी से किसी से अलग नहीं है। हाँ, पापी को जल्दी रियलाइज नहीं होता, कभी कभी उसको लगता है कि भीतर से कोई रोक रहा है मेरे को चोरी करते हुए, लेकिन कौन रोक रहा है उसकी दृष्टि वहां जाती नहीं है, बुद्धि मोटी है ना, भैंस का दूध पी पी कर, भैंस भली बुद्धि, उसको पता नहीं चलता कौन रोक रहा है मेरे को। कभी भय होता है, कभी डर होता है, भीतर से आवाज आती, नहीं 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 ये नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम, लेकिन उसको नजरअंदाज करके मेरी आवाज को वो कर लेता है, तो फिर परिणाम भोग भाई। एक बार तो मैं रोकता हूँ, तो पापी के हृदय में भी बैठा हूँ उसको भी रोकता हूँ कि नहीं भाई, ये चोरी नहीं करनी, ये हत्या नहीं करनी, ये बेईमानी नहीं करनी, ये रिश्वत नहीं खानी, नेताजी ये घोटाला नहीं करना, भीतर से उसको रोकता। लेकिन बाहर से वो देखता नहीं है मेरे को, भीतर सुनता नहीं, इतना अंतर्मुखी नहीं है, इतना वो अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं है, करता रहता फिर भोगता, चल बेटा कर। भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है जीव को, करने में आप स्वतंत्र है एक सीमा तक, फिर उसका परिणाम जब आएगा तो भोगना पड़ेगा, करने में आप स्वतंत्र है। लेकिन गलत करते हो तो आपको रोकेगा, आपका अंतःकरण रोकेगा, फिर निकटवर्ती समाज रोकेगा, सब थू-थू करेंगे, बेइज्जती होगी, वो रोकेगी आपको, भय रोकेगा आपको, शास्त्र रोकेगा आपको, संत रोकेंगे आपको। इस सबके बाद भी ना रोको तो फिर भोगो, फिर जैसे एक्शन होगी वैसा रिएक्शन होगा, न्यूटन भी मानता है जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा। करो और भोगो, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला सिद्धांत लागू होता है। भगवान कहते हैं तुम जैसे भक्तों से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, अरे मैं तुम्हारे अंदर ही हूं,
फिर बड़ा वार्तालाप हुआ है, फिर दिव्य रास शुरू हुआ है। तीन प्रकार के रास का यहाँ वर्णन है। एक तो श्री राधा कृष्ण बीच में खड़े हैं और गोपांगनाएं ताली दे देके एक दूसरे के हाथ में और चारों तरफ नृत्य कर रही हैं। और एक ऐसा रास है कि दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है, इस गोपी से इसकी ताली बजा रहे हैं, इस हाथ से इसकी ताली बजा रहे हैं, बीच बीच में श्री कृष्ण चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, जैसे गरबा होता है आप समझ सकते इस तरह। और एक रास ऐसा हो गया है कि जितनी गोपियां उतनी श्री कृष्ण, जितनी गोपियां उतनी श्री कृष्ण। हुआ ये परीक्षित कि गोपांगनाओं के मन में आया कि श्री जी के साथ ही भगवान क्यों नृत्य करें, अरे हमारे साथ भी नाचें, हमारे साथ भी नाचें, हमारे साथ भी नाचें, हमारी गलवैया देकर हमारे साथ भी नृत्य करें, ऐसा भाव आया। भाव गोपता भगवान है, भगवान उनका भाव समझते। जैसे श्री रामावतार में जब अयोध्या वासियों को पता लगा कि 14 वर्ष पूरे हो गए अब भगवान आने वाले हैं, वो तो दिन गिन रहे थे कि, और हनुमान जी के द्वारा मैसेज भी उनको मिल गया, तो सारे के सारे अयोध्या वासी सरयू किनारे आ गए और सरयू किनारे सारे अयोध्या वासी देख रहे हैं कब विमान उतरे और कब हम दौड़कर प्रभु को छुए, उनको चरण स्पर्श करें। उनके मित्र बोलते हैं हाथ मिलाएंगे, ऋषि मुनि बोलते हैं हम जाएंगे हमारे पैर छुएंगे, राम जी सबसे पहले मेरे पास आएंगे मिलेंगे, वशिष्ठ जी सोचते हैं मेरे पास आएगा, विश्वामित्र जी सोचते हैं नहीं नहीं मेरे पास सबसे पहले राम आएगा, अरुंधति माँ सोचती है मेरे पैर पहले छुएगा, और महाराज अनुसुईया जी सोचती है मेरे पैर पहले छुएगा राम, कौशल्या सोचती है मेरे पास पहले आए, कैकेयी सोचती है उसे तो माफ कर दिया होगा मेरे पास पहले आएगा, छोटे बच्चे कहते हैं हम दौड़कर प्रभु के पास चले जाएंगे, और महाराज गाय जिनका दूध राम जी ने पिया है वो सोच रही आकर सबसे पहले हमारे सिर पर हाथ फेरेंगे, हम प्रभु को चाटेंगे अपने जीभ से और हमारे ऊपर हाथ फेरेंगे प्रभु। और महाराज जिन घोड़ों पर राम जी ने सवारी की है वो हिनहिना रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं दक्षिण की तरफ कि प्रभु आते ही सबसे पहले हमारी पीठ पर हाथ फेरेंगे, प्रेम के आंसू उन घोड़ों के आंखों से भी आ रहे हैं, महाराज सरयू में लहरें उठ रही जैसे ठाकुर जी का चरण धुलाना चाहती है, आलिंगन करना चाहती है, हजारों ऋषि मुनि वहां आए हैं, ब्राह्मण वहां आए हैं, क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र, चारों वर्णों के लोग, सबका भाव यह है कि सबसे पहले राम जी से मैं मिलूं, किसी को भी अब धैर्य नहीं है। अंतर्यामी भगवान ने विमान में बैठे बैठे ही सोचा, देख लिया उनका भाव कि देखो अगर मैं सबसे मिलने लगूंगा एक एक करके तो भरत से मिलने में वापस 14 वर्ष लग जाएंगे, मेरे को सबसे ज्यादा भरत से मिलना है, भगवान सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ठीक है एक तरफ है, लक्ष्मी जी एक तरफ है, लेकिन मेरा जो मित्र है, मेरा जो भक्त है, मेरा जो भाई भरत है उससे मिलूंगा। जैसे कृष्णावतार में अर्जुन से मिलते हैं भगवान, ऐसे ही मैं भरत से मिलूंगा, लेकिन भरत से मिलने में तो 14 वर्ष वापिस फिर हो जाएंगे, तो क्या करूंगा, ऐसे तो भगदड़ मच जाएगी, सामने सरयू है लोग देखेंगे नहीं, कितने लोगों की आज जल समाधि हो जाएगी, कितने लोग दब के मर जाएंगे बूढ़े लोग अगर भगदड़ मच जाएगी। तो अंतर्यामी भगवान ने क्या किया परीक्षित, जितने अयोध्या वासी थे, जितने ऋषि मुनि थे, जितने जीव थे, जितने प्राणी थे, पुष्पक विमान से उतरते ही उतने ही रूप बना लिए और एक साथ भगवान सबके बीच में आ गए, सबसे एक साथ मिल रहे हैं, देवता धुंधरी बजा रहे हैं जय जयकार, बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर देख रहे हैं और पार्वती को लाइव कास्ट कर रहे हैं, क्षण महु सब ही मिले भगवाना, क्षण में सबसे मिल गए, एक क्षण में सबसे मिल गए, क्षण महु सब ही मिले भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना, हे उमा ये रहस्य किसी ने जाना नहीं। अयोध्या में चर्चा होती रही बरसों तक कि राम जी सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से करते हैं, तेरे से करते हैं क्या पता, बोले देख 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए सबसे पहले मेरे से मिले, बोले तू झूठ बोल रहा है सबसे पहले मेरे से मिले थे, तीसरा कहता है तुम तीन दोनों झूठ बोल रहे हो, चौथा कहता है तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, महाराज सारे अयोध्या यही कह रही है कि सबसे पहले मेरे से मिले, वो कहता मेरे से मिले, तू झूठ बोल रही है मेरे से मिले, तू झूठ बोल रहा मेरे से, और कोई झूठ नहीं बोल रहा, उमा मरम यह काहू न जाना, किसी को पता नहीं है भगवान एक साथ सबसे मिले, वही भाव आज अयोध्या ब्रज में हुआ है,
लाखों गोपांगनाएं हैं और सब सोच रही हम कृष्ण के साथ नृत्य करें, मैं कृष्ण के साथ नृत्य करूं, मैं कृष्ण के साथ नृत्य करूं। उनकी शुद्ध भावना, शुद्ध अंतःकरण देखकर, उनका प्रेम पूर्ण हृदय देखकर और भगवान एक साथ जितने गोपांगनाएं हैं उतने रूप, जितने गोपांगनाएं उतने रूप बनाकर एक साथ भगवान रास मंडल में प्रकट हो गए हैं। देवताओं की धुंधली बज रही है, जय जयकार हो रहा है। बोली रास बिहारी भगवान की जय। एक साथ भगवान ने जितनी गोपांगनाएं उतने रूप बना लिए हैं, जितनी गोपांगनाएं उतने रूप बना लिए। और महाराज भगवान शंकर, सारे देवता आकाश से देख रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, बार बार नगाड़े बजा रहे हैं, जय हो प्रभु की जय हो। भगवान शंकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, अरे मैं नटराज हूं। भगवान शंकर का नाम एक नटराज है, क्या नाम है? रोज सायंकाल कैलाश में दिव्य नृत्य करते हैं भगवान शंकर। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर सारे देखने को आते हैं। भगवती जगदम्बा भी वहां मौजूद रहती है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा, और भगवान शंकर नृत्य करते हैं। नाचते हुए नटराज की मूर्ति देखी भगवान शंकर की? नहीं देखी? देखी, हाँ, नृत्य करते हुए भगवान शंकर। तो भगवान शंकर कहते हैं, लोग मेरे को नटराज कहते हैं, ऐसी ताल सुर में मैं नाचता हूं, लेकिन कृष्ण के सामने तो मैं उनकी धूल के बराबर नहीं हूं। इसलिए कृष्ण नटराज राज हैं, मैं तो नटराज हूं और कृष्ण नटराज राज है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नटराज राज है। तो भगवान शंकर वहां पर आए, विमान से कूद कर, नंदी से कूद कर, ऊपर से देख रहे सारे देवता, लेकिन भगवान शंकर से नहीं रहा गया कि चलो थोड़ा इनके साथ नाचूं, मैं भी नृत्य सीखूं। और महाराज शंकर जी वहां कूद के जैसे ही आए, वैसे ही गोपांगनाओं ने रोक दिया, ए बाबा कहां जा रहा है? इस सांप तेरे गले में, हमारी सखियां सब डर जाएंगे तेरे को देखकर, चल यहां से, पुरुषों का प्रवेश नहीं यहां पर। भगवान शंकर ने सोचा, ओहो मैं पुरुष हूं, अब तो भूल गया था मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, प्रेम में देहातीत हो जाता है व्यक्ति। तुरंत पार्वती के पास गए, हे पार्वती, हे पार्वती, जल्दी कर, तेरा लहंगा मेरे को पहना दे, तेरी चुनरी मेरे को पहना दे, मेरा पागंबर तू पहन ले, मेरे को गोपी बना दे, थोड़ी देर मेरे को गोपी बना दे, जल्दी कर, जल्दी कर। ऐसा भगवान ने प्रणय निवेदन पार्वती ने नहीं सुना था कभी, ऐसे प्रेम से भगवान शंकर ने पार्वती को कहा। बार बार भगवती पार्वती नहीं रह सकी, और भगवती पार्वती और उनकी जया विजय आदि सखियों ने सब ने भगवान शंकर को गोपी भाव में सजाया है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अब भगवान शंकर आए, गोपांगनाओं ने देखा, और देखते ही गोपांगनाओं ने कहा, ठहरो हम अनुमति लेते हैं। और गोपांगनाएं गई श्री जी के पास, भगवान कृष्ण के पास, कान में बोली, प्रभु एक बहुत लंबी गोपी आई है, एकदम गौर वर्णी की, एकदम गोरी गोरी सी, बहुत सुंदर गोपी आई है, और उसके यहां भी आंख जैसा निशान है, कोई चंद्रमा जैसा निशान है। कहां से आई? कैलाश से आई, कैलाश से। अच्छा, कैलाश वाली गोपी आई, अरे आने दो उसको, तीन नेत्र वाली गोपी आई, हाँ हाँ आने दो उसको, डबरू वाली गोपी, बोले हाँ हाँ वही आने दो, उसके बिना रास अधूरा है। और भगवान शंकर भी आ गए, देवता धुंधली में जा रहे हैं, जय जयकार करें, बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर नृत्य, ऐसा सुंदर नाच वहां हो रहा है। आइए दो मिनट बस, आपके पास तीन मिनट, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन झूला झूले की वो राधा प्यारी, झूला झूले की वो राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजा Thank you.
सदा ही चलता रहता है, आज भी चलता रहता है। ऐसा नहीं कि छह महीने की रात थी, छह महीने ही चला, वो सदा चलता रहता है। आज भी कोई चैतन्य महाप्रभु जैसा, मीरा जैसी, रामतीर्थ जैसे, महाराज नामदेव जैसे, नरसी जैसे पात्र हो तो वो आज भी उसका दर्शन करते हैं। वो हमेशा चलता रहता है। भगवान कालातीत है, उनकी लीलाएं कालातीत है। हमारी आंख से वृंदावन और दिखेगा, भक्तों की आंख से वृंदावन और दिखेगा। आज भी कोई गोपी भाव लेकर जाए, ठाकुर जी दर्शन कराते हैं अपने नटराज राज स्वरूप के, राशेश्वर स्वरूप के। शंकर जी वहीं विराजमान हो गए हैं।
आप लोग शांति से बैठे, सुनाई देगा। भगवान गोपेश्वर के दर्शन के बिना वृंदावन की यात्रा अधूरी होती है। अब उनका वियोग भी होता है, प्रभु सबको रोते हुए छोड़कर मथुरा पधारे हैं। महाराज बहुत सुंदर लीलाएं हैं, भगवान की विदाई की लीला इतनी सुंदर है कि जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे, ऐसी सुंदर लीला है वो। अगर उसको हम सुनने लगे, सुनाने लगे, तो कोई पत्थर हृदय का आदमी होगा, नहीं तो सबके सब आंसुओं से भर जाएंगे, ऐसी सुंदर लीला है। लेकिन आज हमको रुक्मणी के हाथ पीले करने, बेटी की चिंता होती ना बाप को, तो हमारी बेटी रुक्मणी वस्तुतः एक एक स्कंद की लीला होने चाहिए सात सात दिन में। अब 12 स्कंद की लीला सात दिन में होती है, 10वां स्कंद ही बहुत बड़ा है महाराज, 89 अध्याय है, 90 दिन उसी की कथा चलती रहे। वो प्रसंग बड़ा सुंदर है, उसको हम कहने लगेंगे तो अभी 15-20 मिनट में उसका वर्णन हम लोग नहीं सुन सकते, नहीं कर सकते। खैर, भगवान विरह दान देते हैं सबको, विरह की लीला करते हैं। भगवान का विरह होता है ब्रजवासियों को, और ब्रजवासी भगवान के विरह में तपते हैं, तपाया है। विरह में प्रेम बढ़ता है, संयोग में प्रेम कम हो जाता है और वियोग में प्रेम बढ़ जाता है। जिससे आपका संयोग है, कभी कभी प्रेम में कमी आ जाती है, कलह शुरू हो जाती है, लेकिन दूर रहे तो वियोग होता है, तो फिर प्रेम होता है। पति पत्नी पास में रहे थोड़ी कलह भी हो जाती है कई, लेकिन पति बहुत दूर है, फौज में है, कभी कभी आता है, तो फिर कलह नहीं होती। 4 दिन रहेगा तो राम प्यारी सोचती ज्यादा टॉर्चर नहीं करना, उसको थोड़ा सा प्रेम से ट्रीट करना। तो विरह में प्रेम होता है, मिलन में कभी कभी, विरह में निरंतर याद आती है भगवान की, और भगवान की याद आती है प्रेमियों को, भक्तों को, तो भगवान साथ में ही रहते हैं। जहां भगवान की याद है वहीं भगवान है, जहां भगवान का चिंतन है वहीं भगवान है। तो ब्रज से भगवान जाते हैं मथुरा में, सबसे पहले धोबी का उद्धार किया है, और धोबी का उद्धार करके सुदामा नाम का माली था, जो माला का हर फूल गूंथते हुए यही चिंतन करता कि काश श्री कृष्ण के गले में ये माला पहना पाता, मैं श्री कृष्ण के गले में ये माला डाल पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, कहां ये दुष्ट कंस के लिए माला बनाता रहता हूं। जब से नारद जी से कृष्ण कथा सुनी थी उस माली ने, सुदामा नाम के माली ने, तब से एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, वो हमेशा कृष्ण 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 करते करते अपना काम करता है। क्या करूं मैं, वृंदावन भी नहीं जा सकता, कंस का भाई ऐसा है, बीच में ही मार देगा, दर्शन तो होंगे नहीं, उसके गुप्तचर बता देंगे कि वृंदावन जा रहा है तुम्हारा आदमी, तुम्हारा माली और वृंदावन जा रहा है, तो कंस के सैनिक बीच में ही मेरे को मार देंगे, इन दुष्टों से मरूंगा मैं, कृष्ण के दर्शन भी नहीं होंगे, क्या करूं। हे नाथ, कभी आप ही मथुरा आ जाएं, और मथुरा में आकर आप ही मेरे को दर्शन दें। नाथ मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप तो आ सकते हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते नाथ, लेकिन आप तो हम तक, बोलो, पहुंच सकते हैं, भगवान हम तक पहुंच सकते हैं, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, हमारी सीमित सामर्थ्य है, हमारी सीमित योग्यता है, सीमित बल है, एक सीमा में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु तो असीम है। प्रभु आप कृपा करें, दर्शन दें कभी, काश एक माला में आपको भी पहना सकता, हर माला के हर फूल गूंथते हुए यही भाव। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम अणु में रहकर ही मेरा चिंतन तो कर सकते हो, बस मेरा चिंतन करते रहो, मैं खुद वहां आ जाऊंगा। और भगवान आज
पहुंच गए। ये तो माला बना रहा था, पीछे से ग्वालवाल जय जयकार कर रहे थे कृष्ण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसने मुड़के देखा कि वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने वाला यहाँ कौन आ गया। यहाँ तो सब राजाधिराज भोजराज कंस की जय बोलते थे। इस अणु में वृंदावन बिहारी की, क्या वृंदावन बिहारी की जय, उनके वृंदावन बिहारी के भक्त भी यहाँ पर है। देखा तो ओहो, वृंदावन बिहारी मथुरा विहार करने स्वयं आ गए हैं। उठ के दौड़ के प्रणाम करने लगा, भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया है। देवताओं की धुंध भी बजी है, जय जयकार भक्त वत्सल भगवान की। फूलों से सजा दिया है भगवान को, इधर फूल इधर फूल इधर फूल इधर फूल, कमर में फूल पैरों में फूल, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और महाराज उसको कृतार्थ करके भगवान गए हैं। एक कुब्जा नाम की कंस की दासी थी, शैलेंद्री थी। शैलेंद्री जानते हैं आप जी? शैलेंद्री माने क्या होता जानते हो? नहीं जानते, क्यों? कथा सोते सोते सुनते हो। अच्छा इंग्लिश जानते हो तुम लोग? इंग्लिश जानते हो ना? माताजी इंग्लिश होंगी शायद, अंग्रेज होंगी या पिताजी होंगे। शैलेंद्री को हिंदी में कहते हैं ब्यूटिशियन, इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन आप समझ गए ना, इंग्लिश समझ गए, हिंदी नहीं समझते, शैलेंद्री बोलते हैं। तो कंस की जो ब्यूटिशियन थी, कंस की जो शैलेंद्री थी दासी थी, वो तीन तरह से टेढ़ी थी, तीन जगह से। उसके पुराने कर्म ऐसे थे, कर्म से ही शरीर मिलता अच्छा बुरा, पहले पुण्य करके आए तो स्वस्थ शरीर मिलेगा, नहीं तो अस्वस्थ मिलेगा। यहां से कुबड़ निकली उसकी कमर से, पीठ से निकली, कंधे से निकली, ऐसी तीन जगह से टेढ़ी होकर चलती थी। देखा है कभी कुबड़े लोगों को ऐसे चलते थे? सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे उसको, कोई काम उससे होता नहीं था। लेकिन उसके हाथ में एक कला भगवान ने दी थी कि उसके हाथ का बना हुआ अंगराग है, इत्र है, फूलों को निकाल निकाल के इत्र बनाती, वो घिस घिस के चंदन बनाती, उबटन बनाती। वो कंस को सबसे ज्यादा प्रिय उसी का लगता था, सबसे अच्छा उसको लगता था। उसके हाथ में कला ऐसी थी मारे। लेकिन जब से उसने कृष्ण कथा सुनी थी, हर रोज चंदन घिसते घिसते यही कल्पना करती, काश मैं श्री कृष्ण को चंदन लगा सकती, श्री कृष्ण के मथे पर चंदन लगा सकती, कितना अच्छा होता है। इस दुष्ट के लिए मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूं, ये अंगराग कृष्ण को लगा सकती मैं, कितना अच्छा होता। इस दुष्ट के लिए मैं अंगराग बनाती, ये तेल फूले कृष्ण को लगा सकती, कितना अच्छा होता। ये इत्र जो निकालती हूं, सुगंधी जो निकालती हूं, ये कृष्ण को लगा सकती, उनके पीताम्बर में लगा देती, कितना अच्छा होता। हे नाथ कभी आप कृपा करो, मैं जा भी नहीं सकती वृंदावन, कंस का भय है बीच में ही मार देगा। भगवान का तो सिद्धांत वही है सबके लिए कि तुम नहीं आ सकते, लेकिन जहां हो वहां मेरा चिंतन तो कर सकते हो। अणु में बैठ के ही हे नाथ तो पुकार ही सकते हो। मैं तो आ सकता हूं, तुम नहीं आ। और वही हुआ, आज दोपहर हो गई, रात भर नहीं सोई। अब कंस के दूत आए, अरे आज तू महाराज के लिए लेके नहीं गई, तैयार होना है महाराज को, इतना बड़ा मेला है। अब वो चली बिचारी, फटाफट तैयार करके सामान चली, कृष्ण की राह देखती रही, चली आई। उसको पता था आज कृष्ण आने वाले, दर्शन होगा आज कृष्ण का। और मैंने नारद जी से सुना है कि नारद जी कहते सच्चे हृदय से पुकारोगे तो वो घर में ही आ जाएंगे, घर में ही दर्शन दे देंगे। तो सोच रही कि देखो आज कृष्ण आने वाले हैं, भगवान के दर्शन, चल पड़ी। जैसे ही चली इधर से, पीछे से भगवान पहुंच गए। भगवान घर में ही पहुंच जाते उसके, लेकिन थोड़ी देर हो गई, सुदामा माली के यहां ज्यादा देर रुक गए भगवान, भी भाव में भूल गए। वो घर से जब तक निकल पड़ी और भगवान भी जल्दी जल्दी आए, पीछे से पुकार रहे, ओ सुंदरी सुंदरी। उसने देखा नहीं, मेरे को सारे कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, कोई सुंदरी कहेगा तो कल्पना भी नहीं थी उसको। फिर भगवान ने कहा ओ शैलेंद्री सुंदरी। अब मुड़ के देखा कि शैलेंद्री तो मैं ही हूं, अणु में दूसरी नहीं। पीछे मुड़ के देखा कौन पुकार रहा, इतने मीठे मीठे स्वर में कौन पुकार। पीछे मुड़ के देखा तो बस आंखें फटी की फटी रह गई, देखती की देखती। ओहो, एक क्षण तो उसको आंखों में विश्वास नहीं हुआ कि ये श्याम सुंदर है।
उसको नारद जी की बात याद आ गई, मथुरा में ही तेरे को कृष्ण के दर्शन होंगे, तेरे को वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। तब मन में बहुत प्रसन्न हो गई, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ये खुद इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मेरे जैसे नीचों का भी ध्यान रखते हैं, यही तो हृदय की सुंदरता है। इसलिए ये सुंदर सबको सुंदर देखते हैं, सबको सुंदर इसलिए देखते हैं क्योंकि खुद सुंदर है। सबकी सुंदरता, सबकी अच्छाई, सबके सदगुण इसलिए देखते हैं क्योंकि खुद में कोई दुर्गुण नहीं, खुद सुंदर है। और जो खुद बुरा है वो तो दूसरों की बुराई देखेगा, दूसरों की निंदा ही करेगा, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो ऐसी है, वो ऐसा है। खुद सुंदर है। भगवान पास में आ गए, मांग लिया, सुंदरी इसमें क्या है? कहा इसमें चंदन है प्रभु, हमको लगाओगी? इसमें क्या है? इसमें तेल है, इसमें इत्र है, इसमें फुलेल, इसमें उबटन है। अरे इतने सारे सारे सामान, इतनी सुगंधी, देख देख श्रीदामा, देख बलराम, देखो देखो मनसुखा, देख इतना सुंदर, इतनी सुंदर सुगंधी आ रही, हमको लगाओगी? हमको और वो भगवान ने उसका उसके हाथ से ले लिया और भगवान को कांपते हुए हाथों से प्रभु को लगाने लगी। उसको विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपने हाथ से भगवान को आज चंदन लगा रही, सब ग्वाल वालों को चंदन लगाया है। इसके बाद भगवान ने सोचा इसको कुछ दिया नहीं, खड़े हो गए उसके पास, अपने जूते उतार के उसके पैरों पे अपने पैर रख दिए, बिल्कुल सामने खड़े हो गए, एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। क्या दूं इसको? सबसे ज्यादा दुख इसको अपने कुबड़े शरीर से है, सबसे पहले इसका शरीर सुंदर करो, मन तो सुंदर है ही, शरीर सुंदर। कमर पर एक हाथ रखा, उसके एक हाथ ठोड़ी में रखा, बोले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। उसने तो समर्पण कर दिया था, जैसे ठाकुर जी कहे वैसे करूं। भगवान ने कहा बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, ढीला छोड़ दो शरीर को। एक दो तीन कहते ही महाराज एकदम बिल्कुल अप्सरा जैसी, देवी जैसी सुंदर बनकर, भगवती की तरह सुंदर होकर खड़ी। भगवान ने कहा, अब उसने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया कि प्रभु चलो अब मेरे घर चलो, अब घर को पवित्र करो। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी ने बुलाया है, थोड़ा मामा जी के पास जाकर फिर अणु आता हूं, तुम चलो, अब घर नहीं जाना, आज महाराज की अंतिम सेवा, अंतिम बार सेवा कर लो। बेमन से भगवान की आज्ञा मानकर वो कंस के पास गई। कंस ने देखते ही कहा कौन आ रहा है, कौन है? उसको डर था कहीं कृष्ण का कोई दूत ना जाए, कृष्णी साड़ी बाड़ी पहन के ना जाए, तो बहुत बहुत भयभीत रहता था महाराज। ये दूसरों से जो बैर करते हैं, बुरा करते हैं, भीतर से बहुत भयभीत रहते हैं। आप कहते हो बुरा करने वाला सुखी रहता है, सुखी नहीं रहता है, भीतर से बहुत जलता रहता है, दुखी रहता है। आप बाहर देखते हो कार खड़ी है, उसकी कोठी अच्छी है, लेकिन भीतर कैसी नानी मरी है ये देखते नहीं। बुरा करने वाला भीतर दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो? कितना टेंशन रहता है, पुलिस ना आ जाए, कोई मुखबरी ना कर दे, कितना टेंशन रहता है। बार बार सिम बदलता है, बदलता नहीं बदलता, आपको क्या पता, बदली कभी? बार बार अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, बार बार दूसरी दूसरी गाड़ियों में चलता है, हमेशा अपनी पिस्टल अपना तमंचा पास में रखता है। बुरा करने वाला सुखी रह सकता है? अरे बुरा करने वाले का इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है, पूछो मत, नींद नहीं आती उसको, बिना पिए नींद नहीं आती, थोड़ी थोड़ी पीती हो आप लोग, थोड़ी थोड़ी पीती होगी तो इतनी पीता है। कंस को नींद नहीं आती थी, सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखता था। कौन आ रहा है, स्त्री कौन आ रही है, हटाओ इसको, कौन है? बोले महाराज मैं आपकी दासी हूं, शैलेंद्री कुब्जा। ओहो कुब्जा तू, आवाज सुनी फिर पहचान, कुब्जा तू, अरे तो इतनी सीधी कैसे हो गई? कुब्जा ने कहा महाराज सावधान हो जाओ, मथुरा में जितने टेढ़े हैं सबको सीधा करने वाला आ गया है, सावधान हो जाओ। कंस ने कहा कि मैं उसी का रास्ता देख रहा था, जिंदा बच के जाएगा तब तो सीधा करेगा, अब जो भी हो आप सावधान हो जाओ, वो सबको सीधा कर देता है, जितने टेढ़े हैं अणु में वो सबको सीधा कर देता है। कंस ने कहा सुरक्षा बढ़ाओ धनुष की, देखो महल में कोई ना आ पाए, जो भी आएगा ब्रिज से वो सबका सब वहां सब उसको भेज दो कथा मंडप में, सबको धनुष यज्ञ में, यहां एक भी ना आ पाए, एक भी ब्रिज का ग्वाल बाल यहां ना आ पाए।
और महाराज सुरक्षा बढ़ा दी, भगवान धनुष के पास ही पहुंच गए। शंकर जी से जब अमरता मांगी थी कंस ने, तो भगवान शंकर ने अमरता नहीं दी थी इसको, अपना धनुष दिया था कि जब तक धनुष रहेगा तब तक तेरे को कोई करो इसको तब तक तेरे को कोई तेरा बाल वहां का नहीं कर सकता, और जिस दिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तेरी कमर भी तोड़ देगा। इसलिए आज भगवान गए, सबसे पहले धनुष भंग किया है, फिर कंस के यहां पहुंच गए महाराज, हाथी को मारा है पहले, कुबलिया पीड़ नामक बहुत बड़ा हाथी था, कंस की योजना थी कि हाथी से कुचलवा कर मरवा देंगे कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चे थे हाथी किसी छेड़छाड़ कर रहे थे, हाथी ने मार दिया, हम क्या करें, अणु वालों ने तो मारा नहीं किसी को, हाथी ने दबा दिया, हम पर भी इल्जाम नहीं लगेगा। और कृष्ण बोले तो हाथी को खूब मद्यपान कराया था, हाथी को ट्रेनिंग दी थी विशेष रूप से कि ऐसा ऐसा बच्चा आए उसको दबा देना का, ऐसी ट्रेनिंग हाथी को दी थी महाराज। हाथी को लेकर आए वहां पर और हाथी को देखते ही भगवान ने, कथा बहुत लंबी है लेकिन हम लोग संक्षेप में देखेंगे, हाथी को देखते ही भगवान ने सबसे पहले हाथी का उद्धार किया है, सल तोसल का उद्धार किया है, मुष्टिक चाणूर का उद्धार किया है, और जाकर कंस को एक लात मारी, कंस गिर गया नीचे रुड़कते हुए, अपना वजन बढ़ाकर भगवान उसके ऊपर कूद पड़े और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, देवताओं की धुंधली बज गई, जय जयकार हुई है, बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान फिर अपने माता पिता को पास गए हैं, उनको जेल से मुक्त किया है, वसुदेव देवकी को उग्रसेन को भी जेल से मुक्त किया है, उनको राजा बनाया है और खुद उनके सेवक बनकर भगवान सेवा करते हैं। अब भगवान का मुंडन संस्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ कुलदेवी यहाँ थी, मुंडन संस्कार यहाँ होना था, मथुरा में रहे थे वृंदावन अभी तक, तो 12 वर्ष की उम्र में लगभग मुंडन संस्कार हुआ है, उमराले बाल बड़े बड़े पड़ गए थे खूब लंबे लंबे, उनका मुंडन संस्कार हुआ है, नाई भी रो पड़ा है महाराज उनको उमराले बालों को भगवान के। आप लोग गाते हो ना माता का गीत कुंडली कुंडली, हाँ, तो उन केसों को उच्छेद किया है, जनेऊ संस्कार हुआ है, और भगवान फिर गुरुकुल में गए हैं सांदीपनी के यहाँ। सांदीपनी के यहाँ भगवान को, सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण को एक दूसरे छात्र के साथ रखा, बलराम जी के साथ नहीं, सीनियर छात्रों के साथ जूनियर को रखते थे छात्रावास में, उस छात्र का नाम था सुदामा, और सुदामा को देखते ही भगवान ने कहा ओ इतना बड़ा महापुरुष, इतना त्यागी महापुरुष, इसको तो मैं अपनी मथुरा में ही बसाऊंगा, अभी बचपन में इतना त्यागी, इतना ज्ञानवान, इतना अच्छा, तो बड़ा होके क्या बनेगा, इतना विरक्त, ऐसा सोचकर भगवान आ गए कि मथुरा में ही बसाऊंगा, लेकिन मथुरा में भगवान नहीं रहे, द्वारिका में चले गए। फिर सुदामा का कृष्ण का मिलन कैसे हुआ कल सुनेंगे वो कथा। इधर भगवान मथुरा आए हैं गुरु पुत्रों को देखकर, सुदामा जी की जैसी कथा आप सुनते हैं वैसे सुदामा जी नहीं है, आप कल सुनना कैसे सुदामा जी। सुदामा जी बहुत 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 महान है, बहुत बड़े बड़े, जो कहते हैं सुदामा गरीब है उनके बाप गरीब होंगे, उनके दादा गरीब होंगे, सुदामा जी इतने धनी है, इतने धनी है महाराज सुदामा जी। ये सब बकवास करते हैं, भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा चने खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिए, तुम्हारे बाप ने खाए होंगे सारे चने खा लिए, चोरी कर लिए, ये जो कवियों ने बना दी ना ऐसी बात कि चने चुरा के खा गए, ये खा गया, वो खा गया, सब फालतू बातें, मनगढ़ंत बातें। सुदामा जैसे महापुरुष कला कैसे तो सुनेंगे। भगवान मथुरा आए हैं और मथुरा में जरासंध का एक बार आक्रमण हुआ है, काले यवन का भगवान ने उद्धार कराया मुचकिंद के द्वारा, और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी है प्रवर्षण पर्वत पर, सोचा जल जाएंगे कृष्ण और बलराम। भगवान कूंद के द्वारिका चले गए, और द्वारिका में पहले बड़े भाई का विवाह हो फिर विवाह हो अपना, तो बड़े भाई का बलराम जी का विवाह है रेवती जी के साथ कराया है, बलराम जी का रेवती जी के साथ विवाह हो रहा है, देवता धुंधली बजा रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। रेवती जी तो बलराम जी से भी लंबी हैं और पुराने जमाने की सदियों की हैं, ये है महाराज त्रेता के द्वापर के, तो युगों का अंतर है, पहले के लोग ज्यादा लंबे होते थे बड़े होते थे। कृष्ण से कहा तेरी भाभी बहुत लंबी है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नई मामा से काना मामा अच्छा है, नई मिल रही थी पत्नी तो अच्छा है, क्षत्रियों में हमको कोई बेटी जल्दी देगा भी नहीं, हमारा
बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं भगोड़े हैं, पीठ दिखाकर भागे हैं, रणछोड़े हैं। अब बड़े भाई का विवाह कराकर, बड़े भाई बड़ी बहन के रहते हुए छोटे भाई का विवाह नहीं करना चाहिए, इससे एक दोष लगता है नाराज से, पितृ दोष भी होता है। बड़ा भाई ना करे, संन्यास ले ले या कुछ है तो अलग बात है, बाकी करके ही करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की विधा, अथवा उसका एक प्राश्चित्य होता है, वो प्राश्चित्य करके फिर करना चाहिए। तो बलराम जी का विवाह हो गया, अब लाइन क्लियर हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, ग्रीन लाइन हो गई, अब करना है। भगवान ने सोचा कि मैं अगर गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा तो अणु वाले लोग कल क्या कहेंगे कि कृष्ण तो विरक्त थे, सन्यासी थे, इसलिए हर समय मुस्कुराते रहते थे, गीता गाते रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, हर कंडीशन को हंसते हंसते फेस करते थे, लेकिन हम अणु वाले तो गृहस्थी हैं इसलिए हम टेंशन में रहते हैं। तो भगवान इसलिए गृहस्थ आश्रम में गए कि गृहस्थों को शिक्षा देने से कि देखो छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी गृहस्थी लेकर भी मैं आनंद से रह सकता हूं, और तुम तो ये छोटी छोटी 4.5-5 फीट की गृहस्थी लेकर दुखी होते हो, इतनी बड़ी गृहस्थी लेकर मैं। श्री भगवान गृहस्थ आश्रम वालों के लिए शिक्षा देने के लिए गृहस्थ आश्रम में गए। सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। श्री सुकुवाच राजा सी भीष्म को नाम विदर्वाधिपतिर महान तस्य पंचावन पुत्रः कन्यैका च वरानः। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, उनकी 5 पुत्र हैं, सबसे छोटी पुत्री है रुक्मणी। रुक्मी भाई का नाम है, रुक्मणी बहन का नाम, सबसे बड़े भाई का नाम रुक्मी है, फिर रुक्मांगद, रुक्मकेश, रुक्ममाली, सबके नाम एक ही राशि पर है। यद्यपि एक राशि पर सब भाई बहनों के नाम नहीं होना चाहिए, शास्त्र इसको एक दोष मानता है, क्योंकि एक राशि पर जो ग्रह आएगा वह सारे परिवार पे आ जाएगा, इसलिए ग्रह दशा से बचने के लिए अलग अलग राशियों पर नाम होना चाहिए। लेकिन महाराज भीष्मक ने ऐसे ही नाम रखे थे, उसी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, जो भी हो। नारद जी आते हैं राजा भीष्मक के पास और हमेशा उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं। छोटी सी बच्ची रुक्मणी पिताजी की गोद में बैठ के टुक टुक करके नारद जी का दर्शन करती रहती है, शांत भाव से बैठकर, और कथा सुनती रहती है कृष्ण कथा। जब नारद जी ने श्री कृष्ण के गुणों का वखान किया, उनके सुंदरता का वखान किया और उनके उनके स्वभाव का वखान किया कि ऐसे हैं, पूतना जैसों को भी अपना लेते हैं, सदगति देते हैं, तब तो कायल हो गई रुक्मणी जी कि ऐसे प्रभु हैं, पापियों का भी उद्धार करते हैं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मेरा जरूर उद्धार करेंगे, जरूर मेरे को अपनी दासी बनाएंगे, मैं तो उनके चरणों की दासी बनूंगी, मैं तो उनके साथ विवाह करूंगी और कोई संबंध नहीं बनाऊंगी, पति भाव से कृष्ण को भजूंगी, पति हैं मेरे, पति हैं पति, पति भाव से कृष्ण से संबंध जोड़ लिया। महाराज कोई ना कोई भाव से भगवान से संबंध जोड़ो, घर में लड्डू गोपाल है, भगवान है लड्डू गोपाल है, ऐसा नहीं, इससे काम नहीं होगा आपका, कोई ना कोई संबंध बनाओ, क्या बनाओ, या तो आपको कुछ ना कुछ लगना चाहिए कृष्ण, या तो पति लगना चाहिए, बेटा लगना चाहिए, भाई लगना चाहिए, मित्र लगना चाहिए, गुरु लगना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके लगना चाहिए। भाई लगते हैं, मित्र लगते हैं, पति लगते हैं, बेटा लगते हैं, कुछ ना कुछ लगना चाहिए, गुरु लगते हैं, क्या लगते हैं आपके कृष्ण, कोई नाता है क्या, अगर नाता नहीं है तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है ऐसी पूजा से, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ नाता बनाओ, घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनसे कुछ नाता बनाओ। रुक्मणी ने नाता बनाया पति का, मीरा ने नाता बनाया पति का, यशोदा जी ने नाता बनाया बेटे का, सबके अलग अलग, किसी ने मित्र का नाता, किसी ने सखा का नाता, अलग अलग अलग, कोई ना कोई फ्रेंड बना लो, फ्रेंड बना। एक गर्ल्स कॉलेज में गए थे अभी मुंबई में पिछले साल, तो वहां पर प्रवचन हुआ, वहां के कॉलेज वाले बुलाते हैं, महाराष्ट्र में, एमपी में भी, राजस्थान में बुलाते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में बुलाते हैं, यहाँ तो खुद शिक्षक नहीं आते तो बुलाएंगे क्या बेचारे, कुछ शिक्षक नहीं आते, यहाँ तो हम खाली बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा, वहां बहुत व्यस्त रहना पड़ता है महाराज, रोज 4-5 कॉलेज में जाओ, शाम को अलग सत्संग, सुबह अलग सत्संग, दिन में कथा अलग, बहुत व्यस्त, और यहां तो आनंद रहता है।
कोई ग्राहक नहीं, दुकान बंद रहती सारा दिन, 3 घंटे कथा होती है, एक शाम को आधे घंटे गीता पढ़ाते हैं, आनंद नहीं आता, किसी को परवाह नहीं, ग्राहक कम है, बुरा ना मानो, होली है लेकिन ग्राहक तो कम है। भात हम खिलाएं तो रोज आते हैं लोग, भात खिलाएं तो रोज, भात तो खिलाते नहीं, खा लेते हैं हम आप लोगों का, खिलाते तो नहीं। तो गर्ल्स कॉलेज में गया तो वहां पर मैंने कहा बच्चियों से, मैंने कहा आजकल फ्रेंड बनाने का रिवाज है, कोई फेसबुक से, कोई व्हाट्सएप से, कोई कहीं से, कोई कहीं से फ्रेंड बनाती हो, तो कन्हैया को फ्रेंड बनाओ, कन्हैया को फ्रेंड बनाओ, फ्रेंड बनाओ कुंवर कन्हाई, सुनो बहनों और भाई, फ्रेंड बनाओ कुंवर कन्हाई, कुंवर कन्हाई को अपना फ्रेंड बनाओ। हमारे गुरु भाई सिब्बली जी वो ऐसा कहते हैं कि फ्रेंड बनाओ कुंवर कन्हाई, सुनो बहनों भाई फ्रेंड बनाओ कुंवर कन्हाई, कुंवर कन्हैया को अपना फ्रेंड बनाओ। तो एक बच्ची अब कन्हैया को रखती थी, हमें उससे पूछते कौन है तेरा, बोले महाराज इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, कभी धोखा नहीं देता, हमेशा मेरी हेल्प करता है, हमेशा मेरे साथ, ऐसा फ्रेंड है। उसके लिए जड़ मूर्ति नहीं है, बुद्धि में जड़ता है तो जड़ देखेंगे भगवान, चेतनता है तो महाराज भगवान नाचते भी हैं साथ में, खाते भी हैं, पीते भी हैं, कौन कहता है हरी नाचते नहीं, कौन कहता है प्रभु खाते नहीं, कौन कहता है प्रभु बोलते नहीं। तो नारायण रुक्मणी ने निश्चय कर लिया कि मैं प्रभु को पति बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरे गोपाल जी तेरी चूड़ी अमर हो जाए, चूड़ी फूटे ही ना कभी अमर हो जाए। गोपाल जी का वर्ण करो ना, सदाई सुहागन कदई न दुहागन, अजर अमर बरु पायो मेरी माँ, मीराबाई कहती। रुक्मणी ने निश्चय कर लिया, लेकिन इसका भाई बड़ा कुसंगी था, रुक्मी बहुत कुसंगी था, बड़ा दुष्ट था, बाकी सारे भाई बहन भक्त थे, पिता भक्त थे, माता भक्त थी, लेकिन बड़ा भाई बड़ा कुसंगी निकल गया। शिशुपाल से जाकर मित्रता कर ली उसने, एक दिन तो पीकर शिशुपाल के साथ जुआ खेलते खेलते, और शिशुपाल को वचन दे दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह तेरे से करूंगा, तेरे को अपना बहनो ही बनाऊंगा, जीजा बनाऊंगा, ऐसा महाराज इमो से भेंट दे दी शिशुपाल के साथ। कृष्ण का नाम सुनते ही महाराज बीपी हाई हो गया उसका, तो कुसंगी था ना, शिशुपाल का संग करता, शिशुपाल भी गाली देता, वो भी गाली देता, कृष्ण क्या रखा है कृष्ण के पास, बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप गमार ढोल, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है कृष्ण, NIT में पढ़ाया है उसका, अरे चोर कल तक चोरी कर करके खाता, बहुत गाली दी भगवान कृष्ण, क्या बैकग्राउंड है उसका, उसके साथ बहन की शादी करूं, है क्या उसके पास संपत्ति, अरे शिशुपाल देखो राजाधिराज है, चेदी देश का महल बना रहा है, 5,000 साल पुराना खंडहर हो गया, अब तो हम गए थे वहां से, संग हुआ था, अभी वर्तमान में उसका नाम कुछ और है, मध्य प्रदेश यूपी की सीमा में उधर है, बहुत बड़ा महल बना है पहाड़ी में, कई किलोमीटर में होगा, शिशुपाल इतने बड़े बड़े किले, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी संपत्ति, उनका बेटा कहता है रुक्मी कि बेटी देना चाहिए, धनी को बेटी देंगे तो बेटी खुश रहेगी, भीष्मक ने कहा नहीं खुश रहेंगे, देखो बेटी के बेटे अगर भक्त बन गए, आपने भक्त को बेटे, अगर बेटी का बेटा भक्त है तो नाना नानी का उद्धार भी हो जाता, दो कुलों का उद्धार होता है हमारा बेटी से, हो गया नाना नानी का, हो गया दादा दादी का, हो गया, और धनी को दी बेटी, अभिमान में बेटी छोड़ी दी, नाना नानी का उत्थान पतन दोनों होता है, तो व्यक्ति के द्वारा